करनाल के सदर में जमीनी विवाद को लेकर पुलिस के सामने ही दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जहां पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार करनाल के सदर बाजार में गेट लगाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की, लेकिन दो पक्षों के लोग शांत नहीं हुए और पुलिस के सामने ही झगड़ा करने लगे। पुलिस बल ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह से मामले को शांत करवाया। पुलिस ने दो पक्षों की बात सुनी और मामले में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिलाया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसा है, ये सदियों से यहाँ पर लोधी समाज होली जलाता आ रहा है और हमारे पूर्वजों ने ये पंडितों को जगह दी थी, जिसमें कि 36 दुकानें इन्होंने निकाल रखी है, 40 दुकानें, लेकिन कोर्ट में 2002 में फैसला हुआ था ये होली जलाने के लिए जगह छोड़ दी थी, लेकिन अब वो लोग गेट लगाने के बहाने अंदर मेंटेनेंस कर रहे थे। तो ये समाज से बर्दाश्त नहीं है किसी, क्योंकि ये यहाँ से लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए कि यहाँ पर कोई मेंटेनेंस ना हो, होली जलाने के लिए जगह आई है। हम यहाँ पर लोधी समाज के साथ साथ दूसरा अन्य समाज भी होली को पूजता है और जलाता है, तो ये भी यहाँ समाज किसी तरह की मेंटेनेंस नहीं होने देगा। तो मोहन जी, अभी कहा गया कि सर सहमति हुई थी गेट लगाने की बात भी, दूसरे गेट लगाने की ये बात हुई थी, हमने पहले यहाँ पर एक कच्चा टीन का गेट लगा दिया ताकि ये पूरी मार्केट वाले कोई पेशाब घर ना बनाए यहाँ पर, तो ये बात हुई थी कि यहाँ पर एक ये गेट लगा देंगे ताकि कोई पेशाब ना करे, लेकिन ये पक्का गेट लगाने के बाद अंदर कंस्ट्रक्शन का भी आपको मैंने जैसे बताया पहले कि ये पूरा एक कार्रवाई पूरी शुरू कर दी थी, ये दीवारें के चक्कर में थे कि भाई ये पूरा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बना करने के चक्कर में थे, तो इसीलिए पूरे समाज ने आकर ये गेट भी और यहाँ पर ये सब चीज़ें उखाड़ दी है। अब मांग क्या मांग करते हमारी हैं? मांग ये है कि भी कोई भी पार्टी इसको कवर ना करेगी, हमारी मांग ये है, ये जो गेट लगाना ये कब्जा करना है, और ये सदियों से हमारे दादे परदादे यहाँ पर होली फूंक कर आए, होली की आप पूजा करते रहे, ये धार्मिक स्थल है, इसको कवर करना, किसी की मलकियत बनना गलत है। ये जो लेडीज आई या जो भी आई है दिल्ली से आई है, यहाँ की नहीं है ये। अगर जगह की मलकियत की बात करें, मलकियत की जगह नहीं है, किसी की मलकियत की जगह नहीं है, ये शहर साम्राज्य की जगह है और सदियों से हम यहाँ होली फूंक कर आए हैं, 500 साल पुरानी जगह। दूसरे पक्ष का कहना है कि हम कोर्ट से केस जीते हुए हैं, कोर्ट से केस जीते हुए कागज दिखाए, हमारे पास कागज है, हम बता रहे हैं केस, कोर्ट ने केस ये दिया है फैसला, यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं करेगा। अब ये भी पार्टी है, हमारा समाज भी पार्टी है, मेंटेनेंस क्यों कर रहे हो? हम तो ये चाहते हैं मेंटेनेंस ही ना हो, जगह बने तो कोई धार्मिक बने, धार्मिक बनने की धार्मिक तो है ही, सदियों से चली आ रही है, होली का स्थल है, होली स्थल खत्म हो गया तो फिर होली मनाएंगे कहाँ पर? प्राइवेट कंस्ट्रक्शन या कोई पक्ष ना करे। हाँ, कोई पक्ष ना करे, हम तो ये ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.